आज की अहम खबरों में जीएसटी की बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल के हैदराबाद में, इस पर हम नजर रखेंगे। इसी से शुरुआत करते हैं। हैदराबाद में जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में लग्जरी कार्स पर सेस बढ़ाने का फैसला होगा, साथ ही करीब 30 चीजों पर मौजूदा टैक्स दर की समीक्षा की जाएगी। लग्जरी कारों पर सेस 15% से बढ़ाकर 25% किया जा सकता है आज की इस बैठक में जो जीएसटी काउंसिल की हो रही है। हालांकि उम्मीद है कि छोटी लग्जरी कारों पर सेस धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। बैठक में छोटे कारोबारियों को भी राहत संभव है। इस बैठक में करीब 30 चीजों पर टैक्स की मौजूदा दरों की समीक्षा होगी, जिसके तहत 20 इंच के कंप्यूटर मॉनिटर पर दर 28% से घटाकर 18% करने पर विचार हो सकता है। साथ ही रबर बैंड पर दर 28% से घटाकर 18%, वहीं कस्टर्ड पाउडर पर भी दर जो 28% है उसे घटाकर 18% करने पर विचार होगा, और जो साड़ी की फॉल है उस पर जो मौजूदा 12% की दर है उसे घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स और किचन से जुड़ी चीजों पर जीएसटी की समीक्षा होगी। जीएसटी नेटवर्क जो जीएसटीएन है उसको लेकर आ रही परेशानियों और आईटी से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में बातचीत होगी। आइए रुक करते हैं प्रसाद भोसेकर का, जो हमें इस समय ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से। प्रसाद बताइए, जीएसटी काउंसिल की ये अहम बैठक होने वाली है, इसमें जिस तरह से जो लग्जरी गाड़ियों की बात है एसयूवीज की, कैबिनेट की तरफ से पिछले दिनों इसको मुहर लगी थी, आज जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडा में ये शामिल है, ये प्रमुख मुद्दों में है, इसको लेकर और बाकी किस तरह से फीडबैक मिल रहा है आपको आज की इस बैठक में, किस तरह की मांगे आ सकती हैं? बिल्कुल, ये सबसे अहम मुद्दा ज़रूर है यहाँ पर। आज जो जीएसटी काउंसिल की मीट यहाँ पर हो रही है हैदराबाद के इस एरिया में, तो ज़रूर ये एक मुद्दा है लग्जरी कार्स का। साथ ही साथ जितने भी राज्य है उनकी अलग अलग मांगे हैं जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के। खास करके अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ग्रेनाइट्स को लेकर और जो पब्लिक वर्क्स है उसमें वो रिडक्शन चाहते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अपनी अपनी शिकायतें हैं या फिर अपने अपने सुझाव हैं, वो ज़रूर यहाँ पर रखेंगे। और ख़ास करके जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनकी भी अलग मांगे हैं, तो कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। सुबह कुछ ही देर बाद अभी 11 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलने की उम्मीद है। इसमें प्रसाद हमने ये भी देखा कि जो जीएसटी नेटवर्क है, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पूरे जीएसटी सिस्टम की, जो इसकी बैकबोन है, उसको लेकर भी जो कारोबारी हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई थी। कहा जा रहा है आज की बैठक में उस पर भी विचार विमर्श होगा, क्योंकि कई राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पहले भी जीएसटी पर सवाल उठाए थे। उधर जीएसटी इसकी पूरी बात कर रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन क्या ये भी आज इस पर विस्तार से बातचीत होगी? संभव ज़रूर है कि जिस प्रकार से कई सारे राज्य अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, जैसे कि तेलंगाना की अलग शिकायत है, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर्स भी जो है अपनी बात अपनी मांगे रखने के लिए कई सारे धरने प्रदर्शन भी हमने देखे हैं, और जैसा कि आपने बताया है आईटी सेक्टर है, काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र है जिन पर चर्चा होनी है, क्योंकि जुलाई 1 को ही रोल आउट हुआ था जीएसटी, उसके बाद भी कई सारी बातें सामने आई हैं, कई सारे इश्यूज सामने आए हैं जिसको एड्रेस करना इस मीटिंग में काफ़ी जो है अहम माना जा रहा है। तो अभी कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी और ज़रूर ये जो पूरे कंटेंशियस इश्यूज है इस पर जो है विचार विमर्श होने की उम्मीद है। क्या बताया जा रहा है इसके बाद कोई एक ऑफिशियल ब्रीफिंग भी होगी? बिल्कुल, ये पूरी मीटिंग के बाद 5 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है, जो दिन भर का घटनाक्रम है, दिन भर जिन बातों पर जो डिस्कशन हुआ है होगा या फिर जिन मुद्दों पर जो है बातचीत होगी उसके बारे में शाम 5 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप इस पर नज़र रखें, क्योंकि कई क्षेत्रों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी गया है कि उनको राहत मिलनी चाहिए। देखते हैं उन मोर्चों पर जो एसयूवी लग्जरी गाड़ियों की बात है जीएसटीएन, किस तरह से सभी बातें आगे बढ़ती हैं, या स्टेट्स के जो अपने कुछ कंसर्न्स हैं, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद।